जब कदीम चीनियों ने महफूज जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश की तो उन्होंने दीवारें चीन बनाई और ये सोचा कि उसकी बुलंदी की वजह से कोई उस पर चढ़ नहीं सकेगा। लेकिन दीवार की तामीर के पहले 100 साल के दौरान चीन 3 बार हमलों का शिकार हुआ। हर बार दुश्मन के जत्थे न तो दीवार को तोड़ने की कोशिश करते और न ही उस पर चढ़ने की, बल्कि हर बार वो दरबान को रिश्वत देते और दरवाजे से दाखिल हो जाते। चीनी दीवार बनाने में मसरूफ थे और दरबान की तरबियत को भूल गए थे। इंसान की तामीर हर चीज़ की तामीर से पहले आती है और यही चीज़ आज हमारे तलबा को दरकार है। एक मुस्तशरिक कहता है, अगर तुम किसी कौम की तहजीब को तबाह करना चाहते हो तो 3 तरीक़े हैं। एक तो ख़ानदान को तबाह करो, दूसरे तालीम को तबाह करो, तीसरा रहनुमाओं और माहिरीन को गिरा दो। ख़ानदान को तबाह करने के लिए माँ के किरदार को ख़त्म करो, उसे ये महसूस कराओ कि घर की औरत कहलाने में शर्म है। तालीम को तबाह करने के लिए उस्ताद को बेवकात करो, उसकी अहमियत को कम करो ताकि उसके तलबा उसकी बेइज्जती करें। रहनुमाओं को गिराने के लिए उलमा मुहक्किकीन और दानिशवरों को निशाना बनाओ और उनकी कदर व कीमत को कम करो। इन पर शक करो ताकि कोई उनकी बात न सुने और उनकी पैरवी न करें। अगर बाशऊर माए गायब हो जाए और अगर मुखलिस उस्ताद गायब हो जाए और अगर रहनुमा और माहिरीन गिर जाएं तो फिर नौजवानों को इख्तदार की तालीम कौन देगा। इसलिए हर चीज़ से पहले इंसान की तामीर की फ़िक्र और कोशिश करो।